बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद साबर, उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। तो जरा तुहानू पता मैं अपना आईडी कार्ड बनाने वास्ते दिता सी ते वो नहीं बनया। वो कहंदे ने वी तुहाडा जरा एड्रैस है ना वो फोटाबास दा ते उत्थों जाके बनवाओ। तो जरा ना हुण इत्थे मैं इत्थे ही आ ना, पर अबू जी होणगे फिर बड़ा अंगूठा लगेगा, फिर मेरा आईडी कार्ड बनेगा। तो सहेब नू ते असद नू अजकल लगे सियालकोट बस के जरिए। तो अबू जी जरा कल आउणगे नाल अम्मी होरी भी सारे जी आउणगे, अम्मी होरी इत्थे सारे जीआं नाल मिल मुल जाणगे ते नाल जरा मेरा आईडी कार्ड भी बन जाएगा। तो इस टाइम आया मस्त के घर, असद जरा अपने कपड़े छपड़े पैक कर दिया। असद भाई अपना बैग शैग तैयार कर रहे हैं, कपड़े छपड़े पा रहे हैं, कपड़े छपड़े जरा बैग के भाभी भी पा रहे हैं। तो इधर ये जवान के काम चैक करो, कंप्यूटर चु गाने कर दिया अपने मोबाइल से, रात से सौंदा जाएगा हैंड फिल आ गए। तो हूँ जरा ना फिर प्लान चेंज हो गया जे। असद कहना मैं भी शनासी कार्ड बनवाना, आई डी कार्ड बनवाना। तो मैं जरा कल जावगा, मतलब मैं भी कल जाना आई डी कार्ड बनवाने। तो इस वास्ते सहेब कल बस से बिठा लगे हाँ, तो सहेब सुबह सुबह पढ़ जाएगा तो बुजुर्ग उधर कल आ जाएंगे। तो हम असल जरा नहीं जा रहे, तो इस वास्ते जरा अम्मी होरी नहीं आने, कोई चीज़ नहीं आएगा, कल बुढ़ी आने। तो कल उधरों बुढ़ी तो परसों इतने पढ़ने, तो आई डी कार्ड बनवा के असं वापस तुर जाएंगे, शायद उन्होंने बुढ़ी कल ही आन। 8:30 बजे जरा आनी है बस अड्डे से, तो 7:24 हो गए, तो 50 किलोमीटर सफर जरा असं करना है घंटे के बिच। तो फिर उन्होंने सहेब न बस के बिठाना है। तो सहेब जरा जिंदगी पहली बार कल्या सफर कर लगे, तो मैनू वो बहुत डर लगन दिया भी पता नहीं क्यों। हाँ जी तू जाना ना सहेब दे सियालकोट? नहीं यार मैं नहीं जाना, क्योंकि मैं वापस जाना। वापस कितने? अपने घर। सही हो गया। मैं बड़ा जरा बड़ा जोर लाया भी, कभी मैं क्या सदन नाल कर चलो, कभी किसी नु भी कला ना जाए सहेब, पर नहीं किसी की सलाह बनी, फिर आखिर जाना फिर अपने घर जाना तो पैना ही है ना। तो इस वास्ते फिर सेब कला ही चला है। चलो कोई नहीं, जरा बस वाला है ना वो चाचू जी और आता जरा वो वाकफ है, तो चाचू जी उन्होंने कह देंगे भी आ बंदे का ध्यान रखी, आ बंदे का मतलब ख्याल रखी राह च, तो अगो फिर जो होगा वेखी जाएगा अल्लाह खैर करेगा। चाचू जी हाँ जी, ये थोड़ी सरकार ना कोई वाकफियत नहीं? यार सिर्फ एक ही बंदे ना वाकफियत को नहीं तो वही काम खराब है, बाकी तो हर बंदे ना है ये तो सारा कोई ठीक है। तो यार कहने सरकार ना कोई वाकफियत नहीं, एक ही टीटी करन दई सीट पर बेल्ट लाओ लाओ वो हाई स्पीड दी वजह आंदी है बेल्ट लाओ, पर ओनु को पता भी अभी 20 दी स्पीड ते जाने हैं पे जाओ जा रहा है तो 20 दी बहुत ही जे। ते पिंड जरा असि पहुंच गए जे मासी के पिंड, तो सेब लैना नाल सेब के कपड़े छपड़े लैने, तो फिर असं जावे हरूणाबाद, उत जाके सेब न बिठा के आवेंगे बस से। तो मासी के घर जो असं अपर गए जे, लगता बाहर बैठे खालू शर्ट ला के बैठे, भाई बिजली चुक कर आइए लाइव वीडियो वाले वेख के। ये जरा ना दो साढ़े जो कपड़े हैं ना मिक्स होए पे हैं, वो कपड़े अद्धे मेरे बैग से हैं, मेरे अद्धे कपड़े वो बैग से हैं सहेब के, तो सारे जरा ना हूँ मैं अपने कपड़े अपने बैग से करन दिया, तो वो कपड़े वो बैग से करन दिया। तो दोवें मोबाइल भी जरा मैं रखन लगा वा, क्योंकि इतने जरूरत पैंती है बार बार, तो क्योंकि ब्लॉग वगैरह बनाना होंगे, तो सहेब न मोबाइल टच कोई भी नहीं दे घलन लगे, वैसे बटन लाइक दे घलन लगे अच कॉल शाल करने वास्ते। मामू जी जरा ना खालू जोड़ी सूँ छडन चले ने नाल, तो मैंने कमेंट आने भी तुम जरा इन मामू कल ही कहना अपने खालू में, ये जरा मेरे अम्मी और मासी के मुंडे ने ता पहला मामू कहना, तो फिर आदत पई है मामू ही कहना, तो खालू भी दोवें बन गए हूँ। सहेब हाँ जी राह च जे तेरे नाल बैठा हो जरा मर्जी हाँ जी जरा कुछ कोई भी चीज़ दे हाँ जी, तो लैके छापर पा लेनी है लैके छापर पा लेनी जाके रख दी आ लेगा चाचा जी, लैके छापर पा लेनी घर जा खाई नहीं किसी को नहीं खानी ठीक है ना हाँ जी, भावे कोई के भी ना मैं तेरा फैन हाँ, मैं तेरे इस तरह तेरी तरीफा कर रहा, तेरी तरीफा कर करके तेन कोई चीज खवा दे हाँ जी, तो जो भावे तेरा फैन जो मर्जी है तू ओ कोई चीज नहीं लाया खाने किसी को भी कोई तेन कहना खाने नहीं कमला चापर नाल ले जा तेरे नाल उतर उतरना भी नहीं नाल कोई भी के ठीक है तू बस मेरे अपने नाल उतरना मैं तो पैंपर ले लेना एक आओ भी वो भी काम आएगा बड़ा बड़ा साइज पूछा ना क्या भी चाचू जी गल सुनो जेड़ा जेड़ा बंदा अपनी बेगम को डरदा है ना ये आ सारियां लेना छड़ के ते लेना है सो जो ठीक है सारे हो गए ते मरासी खलोता रहा चुप अच्छा वजीर मशीर सारे असि मतलब डरने हैं ते ए मरासी जेड़ा ए नहीं डरदा बेगम अपनी को, उन्हें आख्या मरासी ने पूछा भी
ਕੀ ਰੋਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੋਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਅੰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨੇ ਜੋ ਆਖ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹ ਮੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਲੇਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲੇਜ ਆ ਜੇ ਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕਾ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਘੁੰਮੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੇਜ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਪਣਿਆ ਹੋਏ ਅੰਨਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਖੋਖੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਇੰਨੇ ਲੇਜ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹਰੂਣਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਫੈਨ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਸਹੀ ਹੈ 9:25 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਦਾ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆਈਏ ਸੇਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਫੜ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚੱਕ ਕਰ ਕਿੱਡੀ ਬੁਲਾ ਆਈ ਕਬਾਏ ਅਤੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਰੂਣਾ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਸੇਬ ਰੂਠਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਇਓ ਚਾਚੀ ਜੀ ਆਇਓ ਖਲੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲੀ ਏ ਤੁਰ ਗਾ ਅਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲੀ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਗਰਾ ਮੋੜ ਜਾਣਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਚਾਚੂ ਜੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਗੰਬਾਲ ਲਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਜਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਰਾਜ ਇੱਕ
ਟਾਲ ਚਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਬੈਲਾ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਪਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਵਾਂ ਮਾਮੂ ਆਉਂਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਤੁਰ ਚੱਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨੀ ਦਹੀਂ ਪਲੇ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ असल पहला सानू आ गड्डी बारो बार जाए असि बाहर खलोते हैं हुण अंदर गड्डी सीधी इधर नूं गाह नंग आई आस पास अगे आए सां ते पहला नहीं खाते हुण खाण लगे सिट डाउन भी हो सकदे हो आए ओए हो जावे डाउन सिट चाचू तुहाडा मूंह एडा वड्डा विच आया ना मुची बैजो अपने घर समझो भाई जी तुसी भी बैजो जी नींदर पूरी होगी जी तो मम्मी फिर आ जाओ कहने घर भी रोटी पक्की है कोई नहीं दही भले खा के जाने समझ आनी जा फिर खावे चाचू जी मामो रे कहने दही भले ना खाओ जाके रोटी खानी जे कोई ना जाने समझ जाने खड्डे 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 आले राह जावांगे ना ते दही भले आ गए जे माशाल्लाह वेखण च बाबा सोहणे लगण ना मजार मामा जी मजार केक भाई मैं कहना नहीं चाह रहा पर तू हूं खान ही नहीं डिया ता क्या माशाल्लाह जरा वाकई मजेदार ने दही भले खाधे ने सही गल चास आ गई है तो हूं चले खालू घर खालू रोटी साढ़े पकाई तो असं नहीं खा के आए असं आख्या सेब न ला के आ खावे तो सेब ने खा ले ही वैसे साढ़े हूं तो पहला ही तो हूँ चलें खालू घर जाके रोटी खावे फिर जावे अपने घर अल्लाह अकबर हूं चले कि खालू घर चले ना हूं हूं खालू घर चले सीधा 25 किलोमीटर का सफर है खालू और घर जरा सिपर गए ते अरे हूं मैं खरगोश वेख्या ही गड्डी लैट पई ही लभना नहीं गा इत बैठा जी उपर उन्हें क्या छाला मार गैप हो गया खरगोश ते लेट जरा ना वाह हो गए नाश्ता जरा अस नहीं किया जान दो भैया चाचू जी हाँ जी मैं कहना वैसे वेखन सोने आ वाले लगते रा कच्चे पर खड्डे आले पासू नहीं सही है ना अपना घर पुराने कोठी ना डरा उचा हो गया कोठी नीवे हो गए ते टाइम हो गया सुबह के 9 बजे का अबर कॉल आई ही भी सहेब अपर गया सवेरे 8 बजे आए थे तो सहेब जरा खरी खरी अपने घर अपर गया तो अब शामी अबू जोरी आ जाएंगे इंशाल्लाह उस साइड चू फिर इधर बह जाएंगे घर डब्बा लैके आएंगे शायद तो ऐसे मेरा अज का ब्लॉग उम्मीद करना तो चंगा लगा अगर चंगा लगा तो लाइक करो शेयर करो अपने दोस्तों ना जो सब सहेब चैनल सब्सक्राइब करो जिंदगी मिलेंगे अगले वीडियो अल्लाह हाफिज़।